car. मेरे परम आराध्य शिक्षा गुरुदेव, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन पुण्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी का विशेष कृपा आप सबके माध्यम मुझे आज आनंद नहीं हो रहा है, मुझको तो कष्ट हो रहा है। क्यों? जिनको कह के आनंद आता था, जिनके पास जाके जिनसे आशीर्वाद मांग कर आनंद आता था, जिनसे वार्तालाप करके आनंद आता था, वो आंखों के सामने नहीं है। मुझे नहीं आनंद आता है कि कोई मेरा पूजा करेगा, मैं उसके लिए संन्यास नहीं लिया, मैं किसी का गुरु बनने के लिए संन्यास नहीं लिया, मैं तो आप लोगों से अपनी पूजा करवाऊंगा, ऐसी कभी भी सोच मेरे अंदर था नहीं। ये तो एक परंपरा है, एक परंपरा की मर्यादा है, जहाँ पर शिष्य को उनके गुरु के आविर्भाव के दिन उनका पूजा करना होता है। उस मर्यादा को ना नकारते हुए आप लोगों के निमंत्रण स्वीकार करके मैं यहाँ आया जरूर हूँ, लेकिन स्वप्न में भी ये चिंतन मुझ में नहीं है कि मैं आप लोगों से पूजा स्वीकार करूंगा। पूज्य तो केवल गुरुपाद पद्म गुरु जी ही पूज्य है, उनके श्रीचरण ही पूज्य है। इसीलिए हम लोग इस दास के जन्मतिथि के बहाने बनाकर श्री गुरु महाराज जी का सेवा करने का सौभाग्य को प्राप्त किया, लेकिन मेरा आनंद जिनके साथ में है जुड़ा हुआ, जो मेरे सुख में दुख में उन्नति पतन में हर अवस्था में जो मेरे साथ में रहे हैं, वो केवल मेरे गुरुदेव हैं और मेरे परमाराध्य शिक्षा गुरुदेव है। ये तीन ही मेरे जीवन का आधार है। आज मैं अगर आपके बीच में हूँ तो उसके पीछे वो श्रेय उन्हीं का, वो साथ उन्हीं का। इसलिए उनका ही स्मरण, उनकी ही स्मृति को अपना जीवन का संपद के रूप में मैं जन्म जन्मों के लिए वरण कर रहा। आदमी का जन्म होना कोई महान बात नहीं होता, मैं बोलूं तो कईयों को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो मुझे पूछते हैं मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, तो मैं एक निकृष्ट प्राणी हूं। सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सत्य यही है
भगवान की सेवा से विमुख अपने ही सुख की कामना को सदा चिंतन करने वाला एक साधारण सा निकृष्ट व्यक्ति वो नहीं। लेकिन श्रील गुरु महाराज जी ने कृपा करके आश्रय प्रदान किया। मैं तो श्रील गुरु महाराज जी के श्रीपाद पद्म में आश्रय ग्रहण करने के लिए तत्पर भी नहीं था जब गुरुदेव का प्रथम साक्षात्कार मुझे प्राप्त हुआ था। वो तो गुरुदेव हैं जिन्होंने अपनी अकारण करुणा की वर्षा करते हुए मुझ जीव को इस संसार में पतित और भ्रमित जो जीव को गुरुदेव ने अपने श्री चरणों की ओर आकर्षित करके आश्रय दे करके रखा था। ये महती कृपा केवल उन्हीं का। इसीलिए इस पूजा का हकदार भी श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही है। अगर श्री गुरु महाराज जी के द्वारा परित्यक्त होता तो निश्चित रूप से मेरा जीवन से ज्यादा निकृष्ट और कुछ भी नहीं हुआ होता। जन्म को सार्थक करने का एक तरीका होता है, वो क्या है? सतगुरु वैष्णव के चरणाश्रय। सतगुरु वैष्णव का चरणाश्रय, उनके श्री चरणों का आश्रय लेके उनके उपदेशों को उनके निर्देशों को अपने हृदय में धारण करके साधन करने वाला एक उत्तम साधक ही अपना जीवन को सार्थक कर सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकता। उस प्रणाली के अंतर्गत परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके दीक्षित किया। श्रेय उन्हीं को जाता है। इसलिए आज का दिन जो जीवन में आया, जहां पर इतने वैष्णव प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं, या गुरुदेव की कृपा से भविष्य में भी जो स्नेह करते रहेंगे, वो सब गुरु जी का ही कृपा से संभव है। मेरे अपने गुण से कोई भी संभव पर नहीं है। अभी हमारे प्रभु लोगों ने जो कहा, हृदय को स्पर्श करने वाली बातें, अगर मैं तीनों की बातों को लेता हूं तो वास्तविकता में मेरे दृष्टि से तीनों में ही ठीक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो लोग श्रेय मुझको दे रहे थे। श्रेय वास्तविकता में उनका है, उन तीनों का है, और आप सबका है कि आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं। नहीं तो मेरे अपने अंदर कोई योग्यता ही नहीं है मैं किसी का भी प्रेम को प्राप्त कर सकूं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने चिंतन किया, जब मैं उनके आश्रय में गया था, श्री गुरु महाराज जी ने चिंतन किया कि अगर संग नहीं होगा तो ये जो व्यक्ति है, मतलब मैं, हरिविमुख हो जाऊंगा। जिसको संग नहीं होता वो निश्चित रूप से भगवान से विमुख ही होगा। और ये बात मेरे लिए गुरुदेव से अधिक और कोई नहीं जानता था। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने मुझे लाकर ऐसे स्थान में रखा जहां पर मुझे संग मिल सकता था। मेरे स्वभाव के अनुसार मैं किसी से वार्तालाप करने वाला प्रकृति का व्यक्ति नहीं था, क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे शर्म लगता है, संकोच लगता है,
इसलिए मैं किसी के साथ में झट से बात नहीं कर सकता था, मेरा ऐसा स्वभाव था। इसीलिए हमने प्रभु से सुना, जलंधर में साथ साथ होने के बाद भी हमारी कोई विशेष वार्तालाप नहीं हुआ। गुरु जी के साथ प्रचार यात्रा में रहते हुए देखा, एक दूसरे को देख रहे थे, इतना ही। हमारा परिचय मुख्य रूप से तब हुआ जब मैं मुंबई में आया, क्योंकि मेरा एक स्वभाव इस प्रकार से, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति जब किसी से मिलेगा नहीं, किसी के साथ में दोस्ती नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति अपने परमार्थ में कैसे आगे जाएगा, इसका जो चिंतन मेरा सर्वाधिक अगर किसी ने की है वो परम आराध्य श्रील गुरु महाराज जी ने किया है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने मुझे यहाँ पर ला करके रखा। मुंबई में आने से पहले गुरु जी ने मुझको आदेश किया था बैंगलोर का, तब मैं बैंगलोर गया था। पहले जब बैंगलोर से मुंबई आया, हमारे बड़े गुरु भाई पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी ने गुरु जी से कहा कि इसको आप यहीं पे रखिए, तब गुरु महाराज जी ने मुझको यहाँ पर रखा। मैंने गुरु जी से पूछा कि आपने तो बैंगलोर के लिए कहा था, गुरु जी बोलते यहाँ रहना, वहां जाते आते रहना। मुझे मुंबई स्थान परमानंद श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया है। यहाँ पर लोगों के लिए एक शहर हो सकता है, मेरे लिए मुंबई साधना का एक हिस्सा है। ये किसी के लिए हो सकता मुंबई है, उनके लिए हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता अलग अलग हो सकता, मेरे लिए ये मेरे साधना का एक केंद्र है। गुरु जी ने मेरे परमार्थ उन्नति के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले नियुक्त करके रखा सेवा में, और गुरु महाराज जी के ही ये कृपा पात्र। मैं परिवार का नाम ले नहीं सकता क्योंकि लोग भावनाओं को नहीं समझ पाते, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा वृषभानु प्रभु उनमें से मुख्य है जो वास्तविकता में अपना संग देकर मुझे सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरणा दिया। मैं तो शर्म इतना लगता था कि मैं कीर्तन करने के लिए जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं इधर बैठा सामने से मुझे देख के कोई हंस देता है, मेरे से ना कीर्तन निकलेगा ना कथा निकलेगा, कुछ नहीं होगा। एक स्टेज फियर होता है, एक तरह का डर। लेकिन ये लोगों ने जबरदस्ती करके चलो कीर्तन। ऐसे हितेशी, ऐसे बांधव कहां मिलेगा जो जबरदस्ती करके संकीर्तनों में ले जाकर। कई बार ऐसा भी हुआ, तेज तबीयत खराब था, कुछ नहीं होता, कीर्तन करने से सब ठीक हो गया, चलो। एक नहीं दो नहीं, गुरु महाराज जी की कृपा से जितने दिन में यहाँ पे था और हूँ, एक दिन भी बिना कीर्तन बिना कथा का व्यतीत नहीं होता है। मैं अगर गोवर्धन में हूँ कहीं और हूँ, कई दिन बिना कथा का भी निकल जाता है ऐसे। लेकिन मुंबई में ऐसे होता नहीं, किसी ना किसी प्रकार के माध्यम से हरिकथा में कीर्तन सेवा में परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी ने मुझे लगा करके रखे, और उसके लिए इन लोगों को निमित्त बनाया। इसीलिए देखा जाए तो ये लोग हैं वैष्णव जिन्होंने मुझे स्वीकार किया। अब और भी बड़े से बड़े महात्मा हैं, अच्छे से अच्छे संत हैं, चाहे तो उनकी सेवा में उनके साथ में भी लग करके साधना किया जा सकता है। लेकिन मेरे आत्म कल्याण की चिंता होने के कारण गुरु महाराज जी ने इन लोगों को प्रेरणा दिया कि तुम लोग महाराज के साथ में रहना। उसको मैं अपने जीवन के लिए जीवन भर आभारी मानता हूं इस बात को।
मैं अकेला क्या कीर्तन करता, क्या कथा करता, कहां जाता? और अगर हरि कथा ही नहीं है, हरि कीर्तन नहीं, हरि नाम ही नहीं है, तो जीवन का अर्थ ही नहीं है। कलयुग संकीर्तन विशेष है। कलयुग का मुख्य साधन क्या है? संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सम्मिलित कीर्तन की व्यवस्था दिया, प्रावधान दिया। सम्मिलित कीर्तन मतलब है तमाम भक्तों को एक स्थान में एकत्रित होकर, जैसे अभी हम लोग बैठ के कर रहे हैं, उसके लिए व्यक्ति का साथ में होना अत्यंत आवश्यक है। और वो भी कीर्तन रसिक व्यक्तियों के मध्य होता है। जो रसिक नहीं है, नीरस व्यक्ति है, उनके बीच में तो कीर्तन संभव ही नहीं। इसीलिए रसिक सजातीय स्वभाव वाले, प्रवृत्ति वाले जो वैष्णव है, उन लोगों का संग के बिना भजन नहीं हो सकता। कितना बड़ा उपकार श्री गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर किया है, इसको मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा ही आगे बढ़कर इन गुरु भाइयों के रूप में, आप सब भक्तों के रूप में मेरे सामने आया है और आ रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी के आभारी हूं। हर चीज उनका कृपा है, नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता था। महादेव के सिर के ऊपर स्थान प्राप्त करने के कारण जो चंद्रमा वक्र है वो भी पूजित होता है, जबकि पूर्णिमा की चंद्रमा उसी का पूजा है, महिमा उसी का है। ये वक्र चंद्र जो है उसका कोई विशेष महिमा नहीं है, लेकिन शिव ने उसको अपने सिर पे धारण किया, इसीलिए वो विशेष हो गया। परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके यत्याश्रम में प्रवेश दिया, अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान किया, अपने आश्रित शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्रदान किया, जिसके चलते आज मेरा जीवन इस स्थान पे है। मैं एक एक के प्रति आभारी हूं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं ऋषभानु प्रभु के स्वभाव के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, इसलिए उसको छोड़ देते। लेकिन ऐसी स्थिति जब मैं अकेला और वो मेरे साथ अकेले खड़े होकर वही चंपूर के अंदर चूना भट्टी में इधर उधर फाई गार्डन में जहां था, सिर्फ तीन लोग हम हुआ करते थे और हम लोग रोड में कीर्तन किया कर रहे हैं। स्कूल से आ जाता था, कॉलेज से आ जाता था, फिर हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। एक मृदंग बजाता है, एक करताल बजाता है, मैं वो जो छोटा सा भोंपू सा लेके कीर्तन गा रहा। कितना उत्साह के साथ कीर्तन किया करते थे और जितना आनंद को हम लोग अनुभव किया करते थे, जिसका कोई मापदंड नहीं है। आज जो कीर्तन में कई बार आनंद आता है ना, जब हम छोटे थे और जब हमारे साथ उस तरीका से लोग भी नहीं होते थे, हम लोग खुद बैठ के करते थे, तब शायद और भी ज्यादा आनंद को हम अनुभव करते थे। तब हमें संकोच नहीं था। परमानंद देख रहा है, मुरलीधर देख रहा है, कोई करना मैं देख रहा है, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, संभल के रहना है, कुछ एकदम खुला रिलैक्स होकर के हम लोग सब कुछ करते थे। चलना फिरना गाना बैठना उठना हर तरह। और सबसे बड़ी विशेषता मेरे जीवन में मुझको जो प्राप्त हुआ, मेरे जितने भी संगी हैं, एक भी वृथा वार्तालाप करने वाला स्वभाव का है ही नहीं।
इतनी गहरी दोस्ती, इतना आत्मीयता होने के बाद भी कभी मेरा और वृषभानु प्रभु के बीच में हल्की बातचीत नहीं हुआ। आप कल्पना नहीं कल्पना कर सकते कोई बातचीत के स्तर में हल्कापन कभी भी नहीं आया। इतनी गरिमा के साथ हमारा आज तक वार्तालाप रहा है और उससे हजार गुना ज्यादा गहरा हमारी आत्मीयता रहा है। ये कैसे हो सकता? गुरु जी की कृपा से, भक्त संग गुरु कृपा से मिलता है, क्योंकि गुरुदेव ही भक्त रूप में आते हैं। भगवान गुरु रूप से आकर जीव का हाथ को पकड़ लेते हैं। इसीलिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति गुरुदेव, जब जीव का मंगल होने का समय आता है तो उस समय भगवान कृपा करके अपने कृपामयी हस्त को आगे कर देते। वही हाथ गुरुजी के रूप में शिष्य के सामने आता है। इसीलिए शास्त्र ने बताया, भगवान स्वयं बोल रहे आचार्य माम विजानि। कभी भी गुरुदेव को हम जैसे मनुष्य है ऐसे नहीं समझना चाहिए। वो कौन है? माम विजानि, भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान भी नहीं है। किंतु प्रभु प्रियैव तस्य, भगवान ही जब विषय विग्रह स्वरूप में स्वयं भगवान रूप में विराजमान है, वही भगवान जब आश्रय जाति के रूप में अपने आप का विस्तार करते हुए दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु रूप में, अंतर्यामी रूप में जीव के हृदय में विराजमान रहने वाले स्वरूप में तीन रूपों में प्रकाशित होते। इसीलिए जिस गुरु से हम लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग के साथ में संयुक्त होते हैं, उनको कभी भी साधारण मनुष्य की तरह दर्शन नहीं करना चाहिए। और वो जो गुरुदेव हैं, वही अपने आश्रित जनों के ऊपर कृपा करते हुए वैष्णव रूप में सामने आते हैं। जिससे इसीलिए हमें संत ढूंढने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता संत कहाँ है, ये नहीं है, किसका संत करूं ना करूं, जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है, निष्कपट हो के गुरुपाद पद्म का आश्रय लेने पर तुम्हारा चिंता तुमसे कई गुना ज्यादा, या यूं कहे हर प्रकार से श्री गुरु महाराज जी का हो जाता है। इसलिए वो जिसको भी तुम्हारे जीवन में रखेंगे वो हमेशा तुम्हें भगवान तक लेकर के जाने वाला व्यक्तित्व ही होगा। और इस चीज को सिद्धांतिक रूप से ही नहीं, प्रैक्टिकल तरीका से ही भी अनुभव करने का भाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। चाहे वो कनिष्ठ वैष्णव के रूप में हो, चाहे उत्तम वैष्णव के रूप में हो, हर अवस्था में मेरे जीवन में महापुरुष ही आए हैं, जो लोगों ने कृपा करके मुझे हरिभजन के मार्ग में लगाने वाले हैं। सारे महापुरुष हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, मेरे भाग्य है ये लोग हमेशा मुझे कीर्तन में लगा करके रखते हैं। विश्वानु प्रभु है और नित्य गोपाल हमारा, वो चाहे जो भी कहे उसका उसका संग मुझे प्रेरणा देता है। उसका हृदय बहुत पवित्र है। ऑफ कोर्स उसका एक विशेष गुण है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है आलस। ऐसा लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र है। वो मेरे से भी बहुत उत्तम श्रेणी के वैष्णवों के सेवा करने के लिए डिजर्व करता है। He deserves the best. उसके पिताजी के संस्कार उसके अंदर है, ये वैष्णव है। लेकिन ये भी गुरुदेव की कृपा है,
गुरुजी ने ऐसा माहौल बनाया कि वो मेरे साथ है या यूं कहे मैं उसके साथ में। विद्वान है, मूर्ख नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना व्यास पूजा को लेकर, मैं मुझे बोलना है और प्रभु जी भी है, इसीलिए संकोच करके उसने छोड़ दिया। नहीं है तो वो आपको व्यास पूजा के ऊपर इतना लंबा प्रवचन सुना सकता है। ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति, उदार दिल वाला व्यक्ति, बहुत उदार दिल है, कोई कुछ भी मांगता है उठा करके दे देगा। बहुत ही सरल स्वभाव वाला व्यक्ति, उसके फोन में लॉक भी नहीं होता है। सोचो, जवान लड़का है, उसके फोन में लॉक भी नहीं है, प्राइवेसी नाम का चीज ही नहीं, ओपन बुक है। ऐसे निर्मल हृदय वाला परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का शिष्य और बहुत गुणी व्यक्ति है, मेरे से ज्यादा गुणी है हर चीज में। इतना सुंदर मृदंग बजाता है, कीर्तन गाता है, फिर उसके बाद काफी क्रिएटिव माइंड है, फिर उसके बाद जो भी अगर कभी वीडियो बनाना है, कुछ बनाना है, बड़े सुंदर तरीका से बनाता है। गुरुजी के प्रवचनों को सुन सुनकर उसकी साधना है प्रतिनित्य। गुरुजी के कोई ना कोई लेक्चर सुन के उसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना और उसको बनाना, ये सारे काम हर चीज के अंदर उसका वो है। ये और भी अच्छे अच्छे संतों की सेवा के लायक व्यक्ति है, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा बिना किसी साथी के, ये सोचकर गुरुजी ने उसको मेरे साथ में रखा और ऐसा रखा, हर स्थिति में साथ में रहता है, हर समय केयर करता हुआ रहता है, अपने लिए इतना केयर नहीं करता, लेकिन जब जरूरत पड़ता है वो मेरे लिए बहुत केयर करता है। जो ऐसी दामोदर प्रभु ने कहा उनका भी ऐसे ही है, लेकिन उनके साथ तो मेरा अधिक रहना ये सब चीज होता नहीं है आजकल, ये दोनों के साथ तो है ही। अगर हम इनके स्तर से लेकर के आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी, जिनकी प्रेरणा, उन्होंने एक विशेष बात मुझको सिखाया। उन्होंने एक विशेष बात सिखाया कि तुम झूठ भी बोलोगे, गुरुदेव अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए गुरुजी से कभी झूठ नहीं बोलना, गुरुजी से कभी कपट नहीं करना, जो है खुल के बोलो, कृपा गुरुदेव करेंगे। ये बहुत बड़ा सूत्र है, जिसको ये बात समझ में आ जाएगा वो व्यक्ति का जीवन बहुत आगे चला जाएगा। ये शिक्षा मुझे उनसे प्राप्त हुआ है। जीवन में कुछ उत्साह के साथ सेवा करने की प्रेरणा उनसे प्राप्त हुआ है। मुझे कभी भी उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया मेरे रास्ते में। जो मैं करना चाहूं, जिस तरीका से मैं सेवा करना चाहूं, इतना जरूर है कि गलत नहीं करना, संघ में रहना, ये चीजें उन्होंने सिखा सिखा के यहां तक लेकर के आए। और आगे अगर जाते जीवन में साधना के पथ पे चलने वाला व्यक्ति कई सारी परिस्थितियों का सामना करता है, घड़ी में कई सारी परिस्थितियों का सामना करता है, और उन परिस्थितियों के अंतर्गत मन कई बार टूट सा जाता है। उस समय एक सहारा की जरूरत होता है, जो साथ में खड़े होकर के कहे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। ऐसी सहारा, एक बिंदु मात्र सहारा ही हम लोगों को बहुत ज्यादा असरदार होता है। ऐसी सहारा भी
मेरे जीवन में मुझको शुरू से प्राप्त होता रहा है। एक शब्द में अगर कहूं तो कभी मैं अपने जीवन में अकेला ही नहीं, इतनी कृपा इतनी औदार्यता अगर मेरे ऊपर किसी ने दिखलाया है वो सब परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने दिखलाया। लग रहा था गुरु जी बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि गुरु जी का आयु बहुत अधिक है और गुरु जी बहुत व्यस्त हैं। अब गुरु जी से बात कैसे करें, उनके साथ में बैठे कैसे, तो मार्गदर्शन कौन करेगा। ऐसी स्थिति जब सामने आया, जीवन की दुविधा द्वंद के बीच में चल रहा था कि क्या करना है, क्योंकि हर जगह पर तिरस्कार ही तिरस्कार सामने आया। ये संसार बड़ा विचित्र है, निंदा करने या तिरस्कार करने के लिए लोग समय नहीं लगाते, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से एक कसौटी को सेट करके रखा हुआ होता है। उनकी विचारधारा उनका दृष्टिकोण बृहद नहीं होता, इसीलिए वो अपने कसौटी के अनुसार ही हर व्यक्ति को मापने का प्रयास करते हैं। अगर उससे आप कम हो ज्यादा हो दोनों ही उनके लिए हजम होता नहीं है। समझ में आया, लोगों की जैसी जैसी सोच है उनकी दृष्टिकोण है उसके हिसाब से अगर आप नहीं खड़े हैं तो वो लोग आपको तिरस्कार करने में क्षण काल भी नहीं लगाते हैं, ये उनकी स्वभाव है। इसीलिए इस संसार के अंदर 90% जो लोग हैं, 90% व्यक्ति वो केवल तिरस्कार करना जानते हैं, स्वीकार करना नहीं जानते हैं। कोई भी समाज क्यों ना हो, इसीलिए जीवन में एक ऐसी स्थिति में हम आके खड़े हैं। अब हम लोगों को ठोस कदम उठाना था, और हमें सबसे ज्यादा अगर कुछ मिला है वो केवल तिरस्कार ही मिला है। लेकिन बहुत फायदा भी हो गया। आज मैं सार्वजनिक रूप से जो हमें घृणा किया या तिरस्कार किया उनके प्रति भी आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैं बहुत गहन चिंतन किया इस विषय को लेकर, अगर वो व्यक्ति हमें तिरस्कार नहीं करता, जो सबसे ज्यादा उपकार जिन्होंने हम पे करना था उनका उपकार का जो मूल्य है उसको हम कभी भी नहीं समझ पाते। वो भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है, वो भी अपना है, तो फिर विशेषता क्या है। इसीलिए घृणा करना भी आशीर्वाद ही है, नफरत करना भी आशीर्वाद है। कोई हमें नफरत करता तभी मालूम पड़ता है कि गुरुजी हमसे कितना प्यार करते, ये विशेषता, ये आशीर्वाद को मैं अनुभव कर सकूं, ऐसी कृपा श्री गुरु महाराज जी का ही माध्यम से आया। कैसे आया, श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं मुझ दास पर कृपा करते हुए परम पूज्य पाशल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के रूप में सामने आए हैं। महाराज श्री हर व्यक्ति को अपनी सेवा में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका स्तर, उनकी दृष्टि, उनका सोच सब कुछ अलग है। कोई कह देगा कि मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा, उतनी दूरी पे रखते हैं, उसका कारण क्या है वो देखते हैं, ये सेवा के उपयुक्त है कि नहीं, क्या मेरे सेवा में विघ्न तो नहीं। पूज्य महाराज श्री के पास मैं जाकर पहली बार कहा था कि मुझे आपकी सेवा में रहना है, उन्होंने नहीं बोला मुझे तुम मेरी सेवा में रहो। मैंने उनसे कहा था, हमारे गुरु भाइयों के कहने पे, महाराज जी का अस्वस्थ थे तब, मैं उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा में रहने वाला हूँ। ऐसे उसी समय मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है,
और उन्होंने अपनी सेवा में मुझको स्वीकार किया, तब मैं उनका सेवक बना पहली बार। उसके बाद इतना कृपा किया, मैं वर्ड टू वर्ड कई सारी उपदेशों को तो स्मरण रख नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर है महाराज जी की सेवा में 2010 में आया, 2003 से लेकर 2010 के बीच में ये 7 साल के अंदर एक अलग तरह का उथल पुथल जीवन के अंदर अनुभव होता रहा है। लेकिन गुरुजी की कृपा से धैर्य धारण करके चलने का अभिनय करने में हम लोग समर्थ हो चुके थे। कुछ भी हो रहा है शो ही नहीं करते थे, अंदर अंदर कष्ट हो रहा है लेकिन बाहर से शो नहीं करते थे, ठीक है सब बहुत बढ़िया। 2007 के बाद भी बहुत कष्ट हुआ, काफी चीजें हुआ, लेकिन 2010 में जब महाराज श्री की सेवा में आया, उसके बाद महाराज जी ने जीवन के अंदर ऐसा ठहराव लेकर के आए, ऐसी स्थिरता लेकर के आए जो आज जीवन मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना आनंद का विषय है, वो अनुभूति का विषय है। साधना में बल डाला, उससे पहले भी साधना था लेकिन बल नहीं था, क्यों? शिक्षा का भाव है, क्यों? खुद ही शिक्षक बना हुआ था। शुरू से मैं कीर्तन करता रहा, कथाएं बोलता रहा, सब कुछ करता रहा, एक तरह से मैं खुद ही शिक्षक था। लेकिन महाराज श्री ने कृपा करके विद्यार्थी के अवस्था को दृढ़ किया, विद्यार्थी होने से एक शिष्य होने से क्या आनंद होता है, जो जीवन परमारत श्री गुरु महाराज जी व्यतीत कर रहे हैं, उस व्यतीत करता हुआ जीवन के अंदर क्या आनंद है, उसको पूज्य महाराज श्री के संग से सीखने को प्राप्त हुआ है। कौन सिखाया? मैं यही मानता हूं कि गुरु महाराज जी ने ही सिखाया। फिर उसके बाद श्री भक्ति निकेतन दुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, उनके बारे में तो बोलने के लिए शब्द भी काफी नहीं है। उनकी कृपा, उनकी औदार्य को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब मेरे बांधव है, ये सब मेरे बंधु है, ये सब मेरा अपना है, इन लोगों से लेके उन लोगों तक। परम पूज्य पाशल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, मेरा जब भी जन्मदिन होता था मैं श्री गुरु महाराज जी को फोन किया करता था और गुरु महाराज जी मुझसे वार्तालाप करते, प्रेम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते, सबसे पूछते, लेकिन मुझसे तो पूछते ही पूछते। और फिर उसके बाद आशीर्वाद शब्द जरूर मुझको सुनाते, उपदेश देते। गुरुजी ने ही कहा था अपने जन्मदिन पे गुरु पूजा जरूर करना, क्योंकि हम करता है। और साथ ही श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, जब भी मेरा जन्मदिन होता था मैं उनके पास जाता था, ऐसे ही कोई अच्छा सा माला जो ठाकुर जी के लिए आता है, क्योंकि मैं देर से जाता था उनके पास, आराम से सो के उठ के नहा धो के तैयार होके, और महाराज जी माला रखते थे, प्रसाद मंगा करके रखते थे। कमरे में तो लड्डू वगैरह बहुत कुछ पड़ा रहता था, लेकिन वो सब नहीं, मंदिर में पुजारी के पास भेज के दोना भर के बढ़िया सा प्रसाद लाके रख देते। और मैं उनसे कहता था कि मुझे आपके चरण धोना है, एक एक क्षण का भी वो नहीं करते थे। और फिर मैं उनका चरण धोकर उनको मैं पुष्प इत्यादि अर्पण करके उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद प्रसाद वगैरह पाया करता था।
चार साल मेरे जन्मदिन पे जब केक लेके आते थे हम लोग, स्पेशल शुगर फ्री लेके आते थे, महाराज जी अपने हाथ से काटते थे और उठा के मैं वो महाराज जी के बुखार दिन में उसको खिलाया। एक शिष्य के जीवन में इससे ज्यादा आनंद का विषय क्या हो सकता है, वो अपने हाथ से गुरु को खिला रहा है। ये सारी चीजें जीवन में हुआ और ये देखने में छोटी छोटी घटनाएं लगते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के जीवन को परमार्थ पथ पे स्थिर करते हुए परमार्थ साधन करने के लिए प्रेरणा देने वाले अंश हैं। इसीलिए आज मैं हर एक के प्रति आभारी, एक एक के प्रति आभारी, नहीं तो मैं अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ना मुझे भाषा ज्ञान है, ना मुझे व्यवहार ज्ञान है, ना कुछ, लेकिन सब ने कृपा करके मुझको यहाँ पर रखा। हर एक को मेरा धन्यवाद है, हर एक को मेरा प्रणाम है, आप सबको भी मेरा आज प्रणाम है, हर दिन प्रणाम है। लेकिन बहुत सारे आप लोग करते हैं, एक एक को मैं दंडवत कर नहीं पाता। मैं दंड पकड़ के एक एक को प्रणाम कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वो दिक्कत होता है। लेकिन आप ये बात निश्चित रूप से समझें, मैं आप सबको प्रतिनित्य जब जब आप लोग मुझे अपने प्रणाम को अर्पण करते हैं, प्रत्युत्तर में मैं भी आप सबको प्रणाम ही कर रहा हूँ। आप सब वैष्णव हैं, गुरु जी के सेवक हैं, मैं एक गुरु जी का छोटा सा सेवक हूँ। हम सब मिल करके गुरु जी की सेवा को करना है। गुरु कौन है? कृष्ण है। गुरु कौन है? बलदेव है। बाकी आचार्य जितने भी हैं उस परंपरा के, उस बलदेव प्रभु के विस्तार मात्र है। किसी के हमारे गुरुदेव बलदेव जी के विस्तार है, बलदेव जी के प्रकाश है, और हम क्या है? उनके दास हैं। इसलिए हम सब ने मिलके गुरु जी की सेवा करना है। मुझे गुरु जी की आराधना करने का ये अवसर प्राप्त हुआ, बहाना मिल गया, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आ गया। अपना सेवा सत्कार कराने का उद्देश्य से मैं नहीं आया। मैं यही चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मतलब यहाँ मुंबई में मेरे जब भी जन्मदिन होता है, आप सब मेरे मंगल के लिए, आप सबके मंगल के लिए आज जैसे किया ऐसी गुरु पूजा अवश्य ही करना है। एकत्रित होके प्रार्थना करना है कि मेरा मंगल हो, प्रार्थना करना है अपना मंगल हो, हम सबका मंगल हो, क्योंकि हम सबका मंगल विधान केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और दूसरा, जैसे हमने सुना व्यास पूजा, गुरु पूजा शिष्य के लिए प्रतिनित्य होता है, हर दिन होता है, इसीलिए हर दिन इसको करना होता है। मैं ये भी निवेदन करने के लिए आया कि गुरु महाराज जी की कुछ विशेष सेवाएं हैं, उन सेवाओं में अगर आप लोग उत्साहित होकर कर सकते हैं तो वो हर दिन का व्यास पूजा होगा और हम लोग हर दिन इस आनंद को अनुभव कर सकेंगे। तो सेवाओं के विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करना, और अधिक समय मैं दूंगा नहीं। अभी हम चतुर्थयाम कीर्तन को करेंगे, वो करके महामंत्र कीर्तन करते हुए आज यहाँ पर विश्राम देंगे। आप सब अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना करके रखें, यही मेरा आप सबसे निवेदन। हरे कृष्ण। चतुर्थयाम कीर्तन मध्यान्ह लीला भजन रुचि भजन। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे
भवता भक्ति रहित की त्वयि धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी अति दैन्य गुण मांगे दास्य भक्ति दा अपना के कोरे संसारी जीवन अभिमान प्रभु तव पद युगे मोरि मे Thank you.
Thank you.
साथ श्री गुरु महाराज जी को मंदिर में प्रवेश करा देते हैं, उसके बाद कीर्तन को विश्राम दे देंगे। ठीक है, हम कीर्तन करेंगे, तुम जाके गुरु जी को वो स्थान में रख देना। ठीक है, जो विग्रह रूप है वो मंदिर में वहां पे रखना है, आलेख को वो साइड में रखना है। ठीक है, आप पादुका ले जाके अंदर वहां पे रख दीजिए, ले जाइए पादुका। हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरंग धाम धर्मी का।